कोरोना महामारी के चलते लोगों को अब मजबूरवश घर में ही रहना पड़ रहा है। ऐसे में वे वर्ग जो दिन में कमाकर रात को अपने परिवार का पेट पालते थे, उनके लिए ये समय कठिन और मुश्किल है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि सभा के द्वारा कोई भूखा ना सोए इसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं तथा जरूरतमंद तक हर जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। जिला बिलासपुर वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष एवं समाज सेवक अशोक कुमार बाहिल ने बताया कि वे अपनी संस्था के साथ काफी दिनों से इस पुनित काम में जुटे हुए हैं तथा जरूरतमंद परिवारों को हर जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि दियारा सेक्टर में श्री राम श्रवण के समीप कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपना बसर झुग्गी झोपड़ियों में करते हैं तथा दैनिक मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। इन दिनों उनके लिए ये समय काफी मुश्किल है। अशोक कुमार ने बताया कि जिला वाल्मीकि सभा की ओर से ऐसे परिवारों को राशन मुहैया करवाया गया है। अनिल किशोर है और मैं जिला वाल्मीकि सभा बिलासपुर का सेक्रेटरी हूँ। आज देश के ऊपर अंदर जो विपदा पड़ी हुई है, ये सभी लोगों को मालूम है कि हमारे कुछ लोग बेचारे वो दिहाड़ीदार है, कोई इतने मतलब उनके पास कोई साधन नहीं है। तो इस विपदा की घड़ी में जिला वाल्मीकि सभा बिलासपुर जो है वो ऐसे लोगों की हेल्प कर रही है, उनको राशन वितरण कर रही है ताकि हमारे देश के अंदर जो गरीब तकवा है या हमारे जो एरिए में जो गरीब रहते हैं उनको जो है इस विपदा से बचाने के लिए, ताकि उनको भूख का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग जो है और हमारी सभा जो है वो तत्पर है, इन लोगों की हम जो है वो सहायता कर रहे हैं। और जिला वाल्मीकि सभा बिलासपुर अपने बिलासपुर के नगरवासियों से व पूरे देश के वासियों से ये अपील करती है कि वो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और जो लॉकडाउन का जो ये किया गया है इसको पूरी तरह पालन करें, ताकि ये जो कोरोना वायरस से जो है हम पूरी तरह जीत सकें और भारत को जो है एक विश्व गुरु के रूप में जो है प्रस्तुत कर सकें।